हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका ट्रेन इंक्वायरी पर। आज की ट्रेन जर्नी जो है मुझे जाना है दिल्ली से फिरोजपुर कैंट के लिए। दो ऑप्शन अवेलेबल थे, थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। 1:15 बजे अगर मैं दैनिक पकड़ता नई दिल्ली से और पुरानी दिल्ली से, तो बठिंडा से मेरे को फिरोजपुर की ट्रेन मिल जाती है। दूसरा ऑप्शन था 1:50 पर नई दिल्ली से अम्बाला लुधियाना के रास्ते चलने वाली सुपर ट्रेन का, वो भी स्किप कर चुकी है, यानी निकल चुकी है। मैं लगभग 2:15 पर पहुँचता हूँ प्लेटफॉर्म नंबर पर, और 5 पे मैं आ गया हूँ, क्योंकि यहाँ से मुझे दो ऑप्शन मिल रहे हैं। या तो मैं 2:35 पे ऊना जनशताब्दी को पकड़ूँ, जो कि 5 शराब लेती हुई अम्बाला पहुँचेगी। निर्धारित समय 5:50 अम्बाला पहुँचने का, और 5:50 पे मेरे को आगे से ट्रेन मिल सकती है हरिद्वार अमृतसर जनशताब्दी। दूसरा ऑप्शन मुझे मिला है 40 मिनट लेट चलने वाली 12:439 मड़गांव गोवा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, जो कि चंडीगढ़ तक जाएगी। केवल 1 ठहराव लेगी पानीपत, उसका समय जो है वो 5:30 पे है। तो मैंने उसको छोड़ते हुए जो है वो IRCTC से चेक करते हुए S5 में बोर्ड हो चुका हूँ। 7 नंबर स्लीपर खाली था। TT से बात करके अपना अपना बिस्तर यहाँ पे जमा लिया। ट्रेन निकलने के बाद सदर में रुक जाती है, शायद नई दिल्ली पुरानी दिल्ली से कोई ट्रेन आ रही है, और थोड़ी देर बाद अपनी ट्रेन को मिलता है ग्रीन सिग्नल। अपनी ट्रेन मूव करती है सदर बाजार के रास्ते, और ये रेलवे ट्रैक आप जो देख रहे हैं डबल, ये आ रहा है पुरानी दिल्ली से, और यहीं से रेलवे ट्रैक अपने ट्रैक को इंटरसेक्ट करता हुआ जो है जाएगा दयाबस्ती की तरफ रोहतक के लिए, या किशनगंज या विवेकानंदपुरी आल्ट के रास्ते रेवाड़ी तक। देखिए, वो परली तरफ एक रेलवे ट्रैक जो है वो इसी रास्ते से निकल रहा है, और अपनी ट्रेन जो है वो बिल्कुल बाएं यानी राइट साइड में टर्न कर जाती है। 3:06 पे है, 2:45 पे अपनी ट्रेन चली थी। 3:06 पे अपने सब्जी मंडी के 2 नंबर प्लेटफॉर्म के परली तरफ से जो है वो अपनी ट्रेन स्लो रेस्ट्रिक्टेड स्पीड के साथ जो है वो स्किप करने वाली है। यहाँ इस ट्रेन का ठहराव रहेगा, और आगे चलता हूँ तो ये देखिए क्या बस्ती है भाई, ये दिल्ली आज़ादपुर है मेरे आइडिया। तो दिल्ली आज़ादपुर का सुना है कि वहाँ पे काफ़ी कंजेस्टेड एरिया है। हाउट रेलवे स्टेशन है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म के ऊपर ही देखिए लोग कैसे जमे हुए हैं, धूप सेके जा रहे हैं, या इलेक्ट्रिक पोल के जो पोल लगे हुए हैं उनके ऊपर कपड़े सुखाए जा रहे हैं, फुट ओवर ब्रिज के ऊपर भी कपड़े सूख रहे हैं, काफ़ी सारे लोग ट्रैक को घेरे हुए हैं। ये अम्बाला से दिल्ली का वही ट्रैक है जिस पे 2 वंदे भारत, 5 शताब्दी, 1 राजधानी समेत जो है कई सुपरफास्ट ट्रेनें डेली निकलती हैं। और वैसे ही हुआ, थोड़ा सा निकलने के बाद देखिए एक पैसेंजर या कोई ट्रैक को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, और वो ट्रेन के नीचे आ गए। 2 पार्ट आप दिख रहे हैं, जो है वो पैर वाला साइड जो है वो नीचे ट्रैक के अंदर है, बाकी ऊपर है। थोड़ा सा आगे निकलने के बाद अपने पहुँचते हैं सोनीपत जंक्शन में। इसको जंक्शन क्यों कहते हैं वो भी ट्रैक आपको दिखाऊंगा। फिलहाल इस ट्रेन का यहाँ पे जो है वो स्टॉपेज नहीं, और सामने से अपने को मिलती है 15708 कटिहार के लिए अमृतसर से चलने वाली आम्रपाली एक्सप्रेस। और अपने इस ट्रेन को स्किप करते ही जो है अपने को ट्रेन मिलती है पठानकोट अमृतसर से पुरानी दिल्ली के बीच में चलने वाली सुपर फास्ट ट्रेन, और वो रेलवे ट्रैक जो आप देख रहे हैं ये जा रहा है गोहाना के रास्ते जींद तक। उसके बाद अपनी ट्रेन थोड़ा सा एक्सीलरेट करती है, काफ़ी पीछे स्पीड रिस्ट्रिक्शन से ये पूरा ट्रैक 130 का अपने क्रॉस कर रहे हैं पानीपत थर्मल को, और ये रेलवे ट्रैक जो देख रहे हैं ये रोहतक के साथ रास्ते आता है गोहाना होते हुए, और ये पानीपत आता है। एकता एक्सप्रेस भिवानी से चंडीगढ़ जो है कालका इसी रूट से जो है वो आती है, और अपनी ट्रेन आज पानीपत रेलवे स्टेशन लगभग 82 किलोमीटर की दूरी रहती है नई दिल्ली से। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ रही है। हालांकि इस ट्रेन में वेंट्री कार अवेलेबल है, लेकिन चाय ब्रेड थोड़ा दूसरे नाश्ते आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे। काफ़ी सारे वेंटर यहाँ पे जो है वो ट्रेन में बोर्ड करते हैं 2 मिनट के लिए। पानीपत जंक्शन को अपने स्किप कर रहे हैं, इसको जंक्शन क्यों कहते हैं। दूसरा रेलवे ट्रैक भी आपको दिखाऊंगा, ये रेलवे ट्रैक देखिए, ये भी डबल इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक है। सफीदों जींद शहर के रास्ते ये ट्रैक जींद तक जाता है, रोहतक के रास्ते आता है, दूसरा ट्रैक जो जींद चला जाता है, और एक ट्रैक जो है वो दिल्ली से जाता है अम्बाला के लिए। थोड़ा सा आइसोलेट कर रही है अपनी ट्रेन, और जिस हिसाब से बाउंड्री की गई है स्लीपर को लगा के इतना गैप, उससे आप समझ सकते हैं कि ट्रिपल यानी तीसरी लाइन के लिए यहाँ पे काम जो है वो जल्द ही शुरू होने वाला है। अर्थवर्क का काम जो है वो चल रहा है। इस समय अपनी ट्रेन करनाल आउटर पे है, हालांकि CN City करनाल में अपनी ट्रेन का जो है वो स्टॉपेज नहीं है, लेकिन स्पीड रिस्ट्रिक्शन की वजह से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगभग ये ट्रेन 4:37 पे जो है वो करनाल को जो है उड़ाती हुई निकल रही है, और इसके बाद अपने जो है वो कुरुक्षेत्र की तरफ बढ़ेंगे। ये देखिए थोड़ा सा कर्व देखिए, काफ़ी आगे है मेरा कोच, और पूरी की पूरी ट्रेन LHB और होती है एंड टू एंड जो है वो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ ही चल रही है। नीलोखेड़ी को जो है वो अपने स्किप करते हुए अब कुरुक्षेत्र को स्किप कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र जंक्शन है, ओ माई गॉड, जमुना ऊना जनशताब्दी जिसको मैंने बोर्ड करने का डिसीजन छोड़ दिया था, सही डिसीजन था। कुरुक्षेत्र जंक्शन में गोवा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ने इस ट्रेन को ओवरटेक कर दिया, यानी अपनी ट्रेन जो है पहले पहुंचेगी। कुरुक्षेत्र को जंक्शन क्यों कहते हैं वो भी आपको दिखा देता हूं। ये रेलवे ट्रैक जो जा रहा है ये जाता है कैथल के रास्ते नरवाना जींद के लिए, और दौलतपुर चौक से साबरमती इस ट्रेन जो है वो इस रास्ते चलती है। ये सूखी हुई बिल्कुल नाला जो आपको दिख रहा है ये
सनसेट के समय आपको दिखा रहा हूँ, सरस्वती नदी है ये। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर अपने को मिलती है मारकंडा नदी, जिसमें भी जो है वो ज़्यादा पानी इस समय नहीं था। और इस समय अपने लगभग 15 किलोमीटर रह गए हैं, 40 किलोमीटर की दूरी कुरुक्षेत्र से अम्बाला की है, 15 किलोमीटर साथ साथ नेशनल हाईवे चल रहा है अम्बाला के लिए। और ये जो ऊपर आपने जो ब्रिज देख रहे हैं आप, ये EDFC का ब्रिज है जो कि अपने ट्रैक को ऊपर से क्रॉस करता है। SSP अम्बाला अप्रोच करते हुए अपनी ट्रेन जो है वो 197 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है। लगभग 5:25 भी हुए हैं अपनी ट्रेन अम्बाला पहुंचने वाली। ये रेलवे ट्रैक को देख रहे हैं, सहारनपुर के रास्ते आता है। अम्बाला छावनी जंक्शन में अपनी ट्रेन 3 और 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुँच रही है। आनंद लीजिए, 3 और 4 नंबर प्लेटफॉर्म, 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे अपनी ट्रेन आती है। मैं इस ट्रेन को यहाँ पे डी बोर्ड कर देता हूँ, यानी ट्रेन को यहाँ से कर देते हैं बाय बाय। 4 नंबर पे अपने उतरते हैं और यहाँ से अपनी ट्रेन को जो है यानी अपने को चलना है 12:53 में, जो कि हरिद्वार से अंदर से चलने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस है लुधियाना तक। और पीछे पीछे देखिए 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे ऊना जनशताब्दी भी अपने को पीछा करते हुए पहुंच जाती है। इसी समय अनाउंसमेंट होता है 12:53, और ये ट्रेन भी 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे है वो आ जाती है, और इसी में अपने लुधियाना तक का सफ़र करने वाली है लगभग 120 किलोमीटर पर। हालांकि अपने को प्लेटफॉर्म चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, 4 पर उतरा, 4 को भी अपने को दूसरी ट्रेन मिल जाती है। D2 में जो है वो मैं बोर्ड कर लेता हूँ। यहाँ पे 2 सीटें, 106-105 नंबर जो है बिल्कुल लास्ट में, तो खाली NTT से बात होगी। और यहीं पे अपने अपना 2 घंटे का सफ़र करने वाले हैं। अपनी ट्रेन जो है वो 5:50 पर डिपार्चर कर रही है सामने ऊना जनशताब्दी, इसके बाद जो है वो डिपार्चर करेगी। और ये ट्रेन जो है वो जाएगी ऊना हिमाचल तक, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, चंडीगढ़ और नंगल डैम के रास्ते। निकलते ही अपने को मिलती है अमृतसर से सहरसा के बीच में चलने वाली जनसाधारण, जो कि मेन लाइन यानी जो सरिम के रास्ते से आ रही है। और दूसरी ट्रैक जो है वो दापर के रास्ते चंडीगढ़ से आ रहा है ट्रैक, उस पर मिलती है चंडीगढ़ से लखनऊ चंदौसी के रास्ते चलने वाली ट्रेन। थोड़ा सा आगे निकलते ही अपने को मिलती है श्री माता वैष्णो देवी कटरा से बांद्रा की तरफ जाने वाली ट्राई वीकली स्वराज एक्सप्रेस। 6:25 पर अम्बाला का टाइम है, सही समय पर है। साथ में अपने जो है वो लेफ्ट साइड में चलता है EDFC पे, अर्थवर्क का काम चल रहा है, डबल ट्रैक यहाँ पे बिछाया जाना है। थोड़ा सा निकलने के बाद अपने पहुँचते हैं राजपुरा जंक्शन को स्किप कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अपनी ट्रेन का ठहराव नहीं है। अपने एक ट्रेन को पैरेलल ओवरटेक कर रहे हैं जो है दिल्ली से फाजिलका के बीच में चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस। राजपुरा में ठहराव के बाद डिपार्चर कर रही है, लेकिन अपनी ट्रेन उससे ज़्यादा स्पीड से उसको स्किप कर रही है। और ये रेलवे ट्रैक जो अपना अलग हो जाएगा सरिंद के लिए, जबकि ये ट्रेन जाएगी दूरी पटियाला के रास्ते बठिंडा कोटखुरा के रास्ते फाजिलका जंक्शन तक। और राजपुरा से निकलने के बाद नॉनस्टॉप अपनी ट्रेन रुकती है सरिंद जंक्शन पे, क्योंकि राजपुरा और सरिंद दोनों में एक एक ठहराव रहता है बहुत सारी ट्रेनों का। या तो दूसरी राजपुरा रुकती है या सरिंद रुकती है, दोनों ही जंक्शन है। राजपुरा से बठिंडा और सरिंद से एक रेलवे ट्रैक जो है वो नांगल डैम ऊना हिमाचल के लिए निकल जाता है। 2 मिनट के ठहराव के बाद अपनी ट्रेन आगे की तरफ मूव करती है लुधियाना के लिए। और सरिंद को जंक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ से एक रेलवे ट्रैक जा रहा है ऊना हिमाचल नांगल डैम के रास्ते दौलतपुर चौक तक, और यही ट्रैक आगे कभी मुकेरिया को जोड़ेगा। थोड़ा सा आगे निकलने के बाद अपने को EDFC कंट्रोल डिपो मिलता है साहनेवाल का, जो कि EDFC का लास्ट पॉइंट है। और काफ़ी ज़्यादा एसिलेशन यहाँ से अपनी ट्रेन कर रही है क्योंकि ट्रेन की कोचेस काफ़ी कम हैं। गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब लुधियाना जंक्शन, इस गुरुद्वारे में तो आप किधर से भी आ जाए आपको यहाँ पे सिर झुकाकर ही निकलना चाहिए। और एक नंबर प्लेटफॉर्म से ट्रेन निकल रही है वंदे भारत एक्सप्रेस, और अभी अभी इससे पहले अपने को जो है शताब्दी एक्सप्रेस भी मिली थी। और ये ट्रेन जो है वो कटरा से नई दिल्ली के बीच में रोजाना चलती है 6 दिन, कटरा नई दिल्ली चलती है, लुधियाना में लगभग 7:30 बजे का टाइम है। अपनी ट्रेन भी 7:30 बजे लगभग राइट समय पर जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे एंटर कर रही है, और यहाँ से अपनी चेंज ओवर करेंगे। यहाँ से अपने को एक और ट्रेन बदलनी है जो कि साहिबजादा अजीत सिंह नगर यानी मोहाली से फिरोजपुर के बीच में इंटरसिटी एक्सप्रेस डेली चलती है 8:25 पर। अपने लगभग यहाँ पे 50 मिनट वेट करना पड़ेगा। और इसी दौरान 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर काफ़ी भीड़ देखता हूँ, लेकिन उसी समय अनाउंस होता है कि बेगमपुर एक्सप्रेस आ रही है। बहुत ही अच्छी ट्रेन है जो कि जम्मू तवी से पूरी फास्ट कनेक्टिविटी देती है वाराणसी को। हालांकि इतनी अच्छी ट्रेन होने के बाद भी इस ट्रेन को अभी भी ICF कोच के साथ क्यों चला रहा है ये मेरी समझ से बाहर है। बहुत ही अच्छी ट्रेन है, पूरी पैक रहती है ट्रेन। जब स्टार्टिंग में चला करती थी तो केवल 2 या 3 AC थे, आज अच्छे AC हैं, पूरे स्लीपर है, 24 कोच का ICF का रैक जो है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे जो है वो लगाया जा रहा है। इसी बीच 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे अनाउंस होता है कि
मोहाली से फिरोजपुर जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस आ रही है। हालांकि ये ट्रेन जो है वो मोहाली से मोरिंडा के रास्ते लुधियाना पहुंचती है लगभग 8 बजे। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ यहाँ पे आएगी और यहाँ से इसको रिवर्स डायरेक्शन में लगेगा डीजल लोकोमोटिव। वहाँ से ये ट्रेन जो है वो मोगा जगराम के रास्ते फिरोजपुर कैंट तक जाएगी, इसी ट्रेन में अपनी बोर्ड करेंगे। और इसी दौरान जो है वो 12:30 स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस में प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर लगाई जा रही है लुधियाना में। ये ट्रेन लगभग 4:30 पर चलती है एक नंबर प्लेटफॉर्म में दिल्ली से, और लगभग 8:16 का समय, लगभग 15 मिनट ट्रेन आज देरी से प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर लगाई जा रही है। अगर आप पे कर सकते तो इस ट्रेन से भी आप जो है वो लुधियाना आ सकते हैं, लेकिन ऑप्शन आपको फिर 8:45 पर लुधियाना से फिरोजपुर के लिए पैसेंजर ट्रेन का मिलेगा। अपनी ट्रेन जो है लगभग 8:30 आपको 8:35 पर डिपार्चर करिए 4 नंबर प्लेटफॉर्म से। इसी समय आ जाती है अमृतसर से लुधियाना होकर दूरी जाखल के रास्ते अमृतसर से हिसार के लिए चलने वाली ट्रेन एंड टू एंड इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ चल रही है और ये ट्रेन अभी एक्सप्रेस के रूप में चल रही है। उसके बाद अपनी ट्रेन जो है वो चैन पुलिंग या किसी कारण से आउटर पर रुकने के बाद 8:40 पर रुक जाती है और अपने को सामने से मिलता है फॉर्चून लाइफ फ्री वाला बड़ोदरा इलेक्ट्रिक शेड का वेब 7 और ये लेके आ रहा है 12903 यानी स्वर्ण मंदिर मेल, गोल्डन टेम्पल मेल को जो रोजाना चलती है बांद्रा टर्मिनल से रतलाम कोटा आगरा हज़रत निज़ामुद्दीन मेरठ सहारनपुर लुधियाना के रास्ते अमृतसर के लिए। ट्रेन की टाइमिंग में जो है वो कोविड के बाद जीरो वेस्ट टाइम टेबल में काफ़ी परिवर्तन कर दिया गया है। और इसके बाद अपनी ट्रेन जो है वो बढ़ती है जगराव मोगा के रास्ते तलवंडी होते हो फिरोजपुर छावनी के लिए, क्योंकि बैटरी काफ़ी चली गई थी फ़ोन की और काफ़ी अंधेरा था रास्ते में, इसलिए उन स्टेशन को मैंने कैप्चर नहीं किया। अपनी ट्रेन 8:45 पर चली थी लुधियाना से और लगभग 1:50 में ट्रेन जो है वो 10:35 पर पहुंच जाती है फिरोजपुर कैंट में। आज लगभग 2:45 पर दोपहर में नई दिल्ली से चलने के बाद अम्बाला लुधियाना के रास्ते 3 ट्रेनें बदलते हुए जो है वो आखिरकार अपने पहुँच ही गए हैं रात को 10:35 पर फिरोजपुर कैंट में। अच्छा करता हूँ, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा लाइक शेयर करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे रेलवे किसी नई अपडेट में। जय हिंद।